हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फोटोशॉप 7.0 का यूज़ करके कुछ ऐसी फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे बैकग्राउंड को अलग करके परफेक्ट तरीके से एंड किसी दूसरे बैकग्राउंड में लगा सकते हो एंड उसका कलर को कैसे मैच करना है जिससे वो रियलिस्टिक लगे, मतलब फेक नहीं लगे जो भी आपका आउटपुट आएगा लास्ट में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना भाई, के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो यार थोड़ा सा, ठीक है। एंड सपोर्ट मिलता है तो आप कमेंट करके बताना आप कहाँ से हो एंड और भी कोई अच्छा कमेंट कर देना, ठीक है, तो जिससे थोड़ा सा हमको वीडियो को थोड़ा रीच मिल जाती है। तो सिंपली सा आपको अपना फोटोशॉप ओपन कर लेना है, देन यहाँ से ओपन पर जाना है एंड आपको क्या करना है, फ़ोटो को अपनी जिस भी फ़ोटो में आप बैकग्राउंड को ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ऐड कर लेना। सो ये सारा डाटा मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ओके। सो फोटो ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, इसकी इस तरह से पकड़ के यहाँ पे छोड़ देना है, एक लेयर बन जाएगी आपकी, ओके। तो सबसे पहले हम प्रोसेस हमारा जो रहेगा, हम करेंगे इसका बैकग्राउंड अलग, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से बैकग्राउंड को ऐड करेंगे देन फिर इसमें लगाएंगे। तो सिंपली सा बैकग्राउंड को अलग करने के लिए एंड मॉडल को अलग करने के लिए पेन टूल लेंगे, आप जिस भी मेथड से करना चाहो कर लेना, ठीक है, मुझे यही सबसे सही लगता है। सिंपली से कंट्रोल प्लस से आपको जूम इन होगा, ओके, ध्यान से देखना, कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल प्लस माइनस से जूम आउट होगा। सो अब देखिए जैसे ये हैंड कैसे आ रहा है, तो आप जैसे स्पेस बटन दबाओगे तो आपके पास हैंड आ जाएगा, ठीक है, एंड माउस को आप यहाँ वहाँ ड्रैग करना, अगर जैसे मैं फ़ोटो को ड्रैग करना चाहता हूँ तो इस तरह से पकड़ के यहाँ इस तरह हिलाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ से साइड में आ जाएगी। सो पेन टूल को लेना है, देन यहाँ से आपको ये जो सेटिंग है इस तरह से रखनी है, ओके, ये आप देख सकते हैं, पाथ भी आपको सेलेक्ट करना है, सेप नहीं बनाना, ठीक है, पाथ भी सेलेक्ट करना है, बाकी का आप देख सकते हो। उसके बाद अच्छे से जूम कर लेना, देन फिर यहाँ से इस तरह से बनाना शुरू कर देना कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए जैसे जहाँ पास मोड़ना हो आपको तो क्या करना है, इस तरह से पकड़ के ये देखिए आप घुमाओगे तो ये मुड़ जाएगा। अगर पेन टूल आपसे नहीं आता तो बता देना कमेंट करके, मैं एक वीडियो कंप्लीट बना दूंगा इसके ऊपर। हालांकि मैंने, अगर आप शॉर्ट में जाना चाहते हो कि ये क्या चीज़ है, तो उसका आई बटन पर लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप उसे देखकर सीख सकते हो। मैंने कोर्स डाला था उसके ऊपर, तो मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा ही बताया था। अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो बता देना, मैं एक बना दूंगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए मैं फास्ट फास्ट थोड़ा सा बना लेता हूँ इसको, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, जैसे ही आपका सिलेक्शन यहाँ तक आ जाए, आपको सिंपली से यहाँ पे टच कर देना, ठीक है। टच करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस माइनस कर लेना है इस प्रकार से, जब से आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से इसे मेक सिलेक्शन कर देना, ठीक है। मेक सिलेक्शन करने के बाद आपको फेदर मांगेगा, तो जैसे मैं फ़ोटो के हिसाब से 4 दे देता हूँ, ठीक है। 4 फेदर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसे मास्क कर देना है। अब यहाँ से इस प्रकार से फ़ोटो को कर लेना है, देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको ठीक लग रहा हो तो आप क्या करना, अप्लाई लेयर मास्क कर देना। सो देखिए ये काम डन हो गया। सो देखिए आप फ़ोटो को ज़्यादा जज मत करिएगा, क्योंकि मैंने इसे अच्छे से नहीं किया है, मैं बस आपको ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, ओके। उसके बाद फिर से आपको बैकग्राउंड ऐड करना है। सो गाइस, बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, ये पेन जो आपको मूव टूल दिख रहा है इसको लेना है, देन आपको इस जो जो आपकी फ़ोटो है ध्यान से देखिएगा, इसी को पकड़ के आपको कुछ इस प्रकार से इसमें छोड़ देना है, ओके, देन इसे बड़ा कर लेना है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस टी बटन दबाना है, ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल प्लस टी दबाने के बाद शिफ्ट बटन दबाना है और इसे छोटा बड़ा कर लेना है, ओके। जैसे कि मैं कुछ जैसे कंट्रोल प्लस टी, अगर ये इंटर हो जाए तो गलती से, ओके। उसके बाद शिफ्ट, देखिए शिफ्ट बटन दबा कर ही आप छोटा बड़ा करिएगा, नहीं तो ये फ़ोटो को ख़राब कर देगा, ओके। तो जैसे कि मैं फ़ोटो को थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, देन जैसे कि मैं इसे थोड़ा ये इस तरह से बैठा देता हूँ, लेकिन देखिए हर बार आप शिफ्ट बटन को दबा कर ही जो भी यहाँ वहाँ उसे करिएगा प्लीज़, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, ओके। उसके बाद जैसे कि मैं इसे एंटर कर देता हूँ, बस आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे बड़ा लग रहा हो छोटा बड़ा, ठीक है, कर लेना, कंट्रोल प्लस टी बटन दबा के शिफ्ट बटन दबाना है। उसके बाद जैसे मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था,
तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसे एडजस्ट कर दिया। उसके बाद इंटर कर देना है, ठीक है। इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक एम्प्टी लेयर लेना है। सो एम्प्टी लेयर लेने के बाद आपको, देखिए हम इसमें शेडो बनाएंगे क्योंकि अभी रियलिस्टिक नहीं लग रहा, लेकिन हम इसे रियलिस्टिक बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इसमें ब्रश टूल लेंगे, देन आपको राइट क्लिक करके यहाँ से कोई भी सॉफ्ट ब्रश को सॉरी क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको कलर टूल लेना है, देन यहाँ से इसे ब्लैक कलर को सेलेक्ट करके ओके कर लेना है। उसके बाद एक बार कहीं पर भी आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद मूव टूल लेना, देन देखिए लेयर कौन सी सेलेक्ट है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से इसे पकड़ के इस तरह लाना है, ओके। कंट्रोल प्लस टी बटन दबाना है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से इसे मतलब रोटेट वगैरह कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ बस आपको ऐसे ही करते जाना है। देखिए जैसे आप यहाँ पे लाओगे ये माउस, आपका ये इस प्रकार से हो जाएगा, ओके। लेकिन देखिए वीडियो छोड़कर मत जाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे अपने से करोगे तो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंटर देखना एंड इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप देखिए ये तो ऊपर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस लेयर के नीचे लाएंगे, ठीक है। आपको जो मॉडल वाला लेयर है इसके नीचे लाएंगे, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को इस तरह से गिराना है, ओके, कुछ इस प्रकार से, जिससे ये शैडो टाइप का बन जाए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये कम है तो कंट्रोल प्लस टी बटन दबाइए, ओके, कुछ इस प्रकार से इसे बढ़ा दीजिए, ओके, जिससे हम बस इसमें शैडो बना रहे हैं, ओके। उसके बाद इंटर कर देते हैं। अब इसकी सेटिंग वगैरह आप ओपेसिटी अपने हिसाब से रखना, जितना आपको अच्छा लगे कि हम ठीक है उतने में सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, उतने में कर लेना। उसके बाद जैसे कि मैं आल्ट बटन दबा कर इसे इस तरह से ले जाता हूँ, तो ये इसका कॉपी बना देगा। उसी प्रकार इस यहाँ पे छोड़ देता हूँ। कंट्रोल प्लस टी बटन दबाना है, देन शिफ्ट बटन दबा कर मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है यहाँ पास, ओके, एंड थोड़ा सा और ही छोटा कर लेता हूँ, ओके, ठीक है, और इंटर कर देता हूँ। सो इंटर करने के बाद आपको ये जो ऑपोसिटी है इसको गिरा देना कुछ इस प्रकार से, इसमें ज़्यादा शेडो मत रखना, ओके। सिंपली से आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है सेलेक्ट टू कलर, सॉरी सेलेक्ट टू टूल लेना है, आपको लेना है कलर बैलेंस। अब देखिए सारा खेल यहीं पे होगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। देखिए अब ये फोटो और बैकग्राउंड को हम मैच करेंगे, ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें टोपाज लैब्स जो मैंने दिया था इसका यूज़ करके भी आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, लाइट जो भी करना है, शेडो वगैरह जो भी ऐड करना है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये फोटो और बैकग्राउंड को और मिला सकते हो, ओके, यूज़ करके उनको। तो जैसे कि मैं अब फाइनल स्टेप बताता हूँ आपको, सयान आपको कुछ इस प्रकार से दिखे, छेड़छाड़ करके देख लेना है, जैसे कि मैं मुझे इतना चाहिए, ओके। उसके बाद अब जैसे कि मैं इसको कुछ इस प्रकार छेड़ लेता हूँ, ओके, जैसे कि मुझे इस तरह चाहिए, एंड ये हम मिड टोन से खेल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए कोई वैल्यूज़ किसी को पता नहीं रहती, ये सब ऐसे ही फोटो एडिट होती है, ओके। तो कुछ इस प्रकार से चले, ठीक है। उसके बाद मैं शेडो पे आता हूँ, शेडो को मैं कुछ मिनिमम इतना, ठीक है, एंड इसको इतना कर लेता हूँ, देन इसको इतना कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके कर दे, देन कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई करना है, ओके। पहले तो इसकी ओपेसिटी पूरा गिरा देना है, ओके। देन यहाँ से आपको फिल्टर पे जाना है, देन यहाँ से अदर पे, देन हाई पास। अब हाई पास आपको कितना लगाना है, जितने में आपका बैकग्राउंड मतलब हल्का हल्का एज दिखे, ठीक है। अब देखिए एज कितने में हमको दिख रहे हैं, हल्के हल्के एज दिखे, नहीं तो ज़्यादा स्पीड शार्पनिंग हो जाएगी, ओके। इतना करना है, देन यहाँ से कर देना ओवरले, ओके। अब ओवरले करने के बाद फोटो को कर लेना जूम। फोटो जूम करने के बाद अब आपको ओपेसिटीज की बढ़ानी है। अब देख ओपेसिटी आप जैसे ही बढ़ाओगे तो आप देखना इसमें शार्पनिंग वगैरह थोड़ा सा ऐड होने लगेगा कुछ इस प्रकार। ये बहुत कम इफेक्ट दिखता है बट अच्छा लगता है, आप देखना ये जब अंडू रीडू करके देखना ये समझ में आएगा। एंड में ये फ़ोटो मैंने बहुत फास्ट एडिट किया है बस आपको एक आइडिया देने के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से टाइम निकाल के करना तो आपका फोटो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बनेगा, ओके। सो आप देख सकते हो कि फोटो हमारा कैसे एडिट हुआ है। उसके बाद कंट्रोल प्लस एस करना है, देन आप यहाँ से क्या करना है, जे पैक सेलेक्ट करना है कुछ इस प्रकार से, देन यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। एक्सपोर्ट आप लार्ज फाइल में कर देना है, देन यहाँ से ओके कर देना, ये फाइल सेव हो जाएगी। सो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए नेक्स्ट।